हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। सिलसिला झाजी ब्लॉग में आप लोग सभी का स्वागत है फिर से एक बार। तो अभी हमारी सोसाइटी में वीटीवी माटी आए थे। मुझे को खासा गुजराती आती नहीं है, इस वजह से सबसे जानकारी इकट्ठा करते करते और पहुंचते पहुंचते मैं लेट हो गई, तो बहरहाल मैं नहीं दिखा पाऊँगी। पर मैं वो जगह आपको दिखा रही हूँ जहाँ पर अभी वीटीवी माटी थोड़ी देर के लिए आए थे। तो ये मेरे दूसरे रूम की खिड़की है और इससे सीधे सीधे आपको गार्डन दिख रही होगी जो मेरे सोसाइटी का गार्डन है। और यहाँ पे वीटीवी माटी आए थे और बहुत सारी लेडीज़ यहाँ पे इकट्ठा हो गई थी और सारी बातें कर रही थी, पर मैं पहुँचते पहुँचते लेट हो गई तो नहीं दिखा पाई आपको। अभी कुछ दिनों पहले फिर मैं अब मेरे हस्बैंड और मेरा बेबी जो है वो तीनों ही गए थे मंदिर दर्शन के लिए, क्योंकि मेरे बेबी का जो है 8 मंथ कंप्लीट हो गया था। तो हम लोग अक्सर इस मंदिर में जाते हैं, बड़ी शांति मिलती है और बड़ा ही अच्छा दृश्य है। मैं पूरा वीडियो तो आप लोगों के साथ आज शेयर नहीं कर पा रही हूँ, पर नेक्स्ट व्लॉग में या उसके नेक्स्ट व्लॉग में ज़रूर पूरा का पूरा वीडियो शेयर करूँगी। मैं आपको बता दूँ, ये जो मंदिर है ये नारायण का मंदिर है और महालक्ष्मी भी यहाँ पर स्थापित है। तो हम लोग अभी सीधे जा रहे हैं गर्भगृह में जहाँ पर नारायण स्थापित हैं। यहाँ पे और भी कई कई छोटी छोटी बाल गोपाल की मूर्तियाँ हैं। मेरे जो हस्बैंड है वो बेबी को दिखा रहे हैं। बड़ा ही मनोरम दृश्य है। सागर में जो लक्ष्मी नारायण जी स्थापित हैं, देखिए ये पिक्चर वहाँ की है जब सारे भगवान एक साथ स्थित रहते हैं। और ये देखिए गोल गुंबज जिस पर विभिन्न प्रकार की आकृतियाँ की गई हैं, साथ ही नारायण कथा भी इसमें वाची गई है, मतलब लिखी गई है। ये महालक्ष्मी का मंदिर है। ये छोटे पुजारी कह सकते हैं, महंत है। और बहुत दिनों से चाहती कि मैं व्लॉग बनाऊं, पर बहुत सारी हिचक थी मन में, क्योंकि सभी के व्लॉग्स देखती थी यूट्यूब पर, फ्लाइंग बीस्ट, आशीष चचलानी, प्राजक्ता, भुवन बाम, ये लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो कहीं हमेशा लगता था मन में कि क्या मैं अच्छा कर पाऊँगी, क्योंकि ये लोग तो बहुत लाइफ में ऊंचे मकाम पर पहुंच चुके हैं, बहुत कुछ हासिल कर चुके हैं, तो क्या मुझे आप लोग व्यूअर्स का साथ मिलेगा या क्यों हम व्लॉग्स नहीं बना सकते। तो इसी सोच के साथ मैंने व्लॉग शुरू किया। उम्मीद है कि आप लोग मुझे बहुत सपोर्ट करेंगे और मेरे परिवार का हिस्सा बनेंगे। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको ये ब्लॉग कैसा लगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए।